तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी टेक पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि BBU के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एग्जामिनेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दोस्तों आपको बता दें ये नोटिस आज ही जारी हुई है। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिस जो है एग्जाम से रिलेटेड है, यानी दोस्तों एग्जामिनेशन नोटिस है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना, यानी दोस्तों आपको बताते हैं परीक्षा से रिलेटेड। तो दोस्तों जान लेते हैं कि किनका परीक्षा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है एतद द्वारा UG सेमेस्टर 5, यहाँ पे देखते हैं मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, एतद द्वारा UG सेमेस्टर 4 सेशन 2019-22 के संबंधित परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि रिपब्लिक डे चैंपियन 2022 एवं चतरा संसद से सम्मानित होने के कारण जो परीक्षार्थी निम्नलिखित विषय की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे, उनके लिए एक विशेष परीक्षा निम्नलिखित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। यानी दोस्तों आपको बता दें ये एग्जामिनेशन जो है UG सेमेस्टर 4 सेशन 2019-22 वालों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ सूचित एक है नोटिस के तहत दिया हुआ है रिपब्लिक डे जो हुआ है, रिपब्लिक डे चैंपियन 2022 एवं चतरा संसद में जो है सम्मानित हुआ था, उन विद्यार्थियों में यदि आपका सब्जेक्ट है और किसी कारणवश यदि आप एग्जामिनेशन में नहीं जो है पहुंच पाए थे, सम्मिलित नहीं हो पाए थे, तो उनका जो है आपका बता दें कि और एक डेट पब्लिश किया जा रहा है और उस दिन आपका जो है एग्जाम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहली बात तो आपका परीक्षा सेंटर कहाँ होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आनंदा कॉलेज हजारीबाग आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर होगा। वहीं दोस्तों टाइम टेबल की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे टाइम आपका रहेगा 1 PM से 4 PM, यानी दोस्तों दोपहर के 1 बजे से शाम 4 बजे तक। वहीं दोस्तों डेट का बात करेंगे तो दोस्तों डेट देख सकते हैं यहाँ पे 2 मार्च को आपका पहला परीक्षा है, वह है कोर 8 का है। यहाँ पे देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, यानी दोस्तों कोर 8 का जो है आपका परीक्षा होगा 2 मार्च को, और सब्जेक्ट आपका रहेगा जियोग्राफी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस और मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और BBA 343, यानी दोस्तों इन सब सब्जेक्ट का जो है आपका एग्जाम 2 मार्च को होगा कोर 8 का। वहीं दोस्तों 3 मार्च का देख सकते हैं, 3 मार्च को आपका होगा कोर 8 का बॉटनी और कोर 9 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और BBA 344। तो दोस्तों ये देख सकते हैं। और वहीं आगे दोस्तों देख सकते हैं 4 मार्च का बात करेंगे दोस्तों, तो 4 मार्च का आपका जो है एग्जाम होगा कोर 10 का, यानी दोस्तों कोर 10 का आपका एग्जाम है 4 मार्च को होगा और सब्जेक्ट आपका है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 4 तारीख का ये सब्जेक्ट है। और 5 तारीख का दोस्तों देख सकते हैं 5 मार्च का जो है आपका जेनरिक सब्जेक्ट होगा, जेनरिक यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री और सोशोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ये जो आपका एग्जाम है 4 दिन चलेगा, 2, 3, 4 और 5, यानी दोस्तों जो 2 मार्च से आपका परीक्षा शुरू होगा और 5 मार्च तक आपका लास्ट डेट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं और एक नीचे नोट करके क्या नोटिस दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है, यानी दोस्तों आपको जो है एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है कुलपति के आदेश से डॉक्टर गौरीशंकर तिवारी परीक्षा नियंत्रक। तो दोस्तों ये था एक एग्जामिनेशन नोटिस, देखते हैं ये 25 तारीख को पब्लिश हुई है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ये कल का डेट दिखा रहा है। तो दोस्तों अब मैं और एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, UG सेमेस्टर 4 सेशन 2019-22 के जितने भी परीक्षार्थी हैं, यदि आप रिपब्लिक डे 2022 और चतरा संसद में सम्मिलित नहीं हो पाए थे किसी कारणवश, तो आपका जो एग्जामिनेशन फिर से होने जा रहा है वो है आपका 2 तारीख से, यानी 2 मार्च से शुरू हो रहा है और 5 मार्च तक आपका जो है परीक्षा लास्ट चलेगी। तो दोस्तों ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन BBU का और सेमेस्टर 4 वालों का। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही BBU के सारे अपडेट देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।